प्रोग्रामर के टॉपिक में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं, वो है एक्टिव एंड पैसिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट का नजरिया लगाया, सब्जेक्ट का
लगाते हैं। नंबर तीन, हैप्पी बर्थडे तुरंत बाद केवल वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नंबर चार, इसके बाद सब्जेक्ट को भाई के साथ ऑब्जेक्ट की जगह लाते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट का दर्जा दिया जाता है, अब हम लोग इसी टॉपिक के अंदर यह फाइंड आउट करेंगे कि एक्टिव का वाक्य कौन से टेंस का है, और उसी के अनुसार हम कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए एक्टिव के वाक्य को प्रेजेंट में चेंज करते हैं, एक्टिव के वाक्य को प्रेजेंट में चेंज करते हैं। अब आगे देखिए, हमने एक एक्टिव का वाक्य लिया था हरी टीचर इंग्लिश, इसको हमने पैसे में चेंज किया था इंग्लिश प्लीज रिपेयर रिलेशन, ये एक दूसरा वाक्य हमने लिया है रिपेयर रिलेशन। इस वाक्य में और इस वाक्य में दोनों ही एक्टिव के हैं, फिर दोनों में हिंदी है, टीचर्स हैं, प्रिपेयर है, इंग्लिश है, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क यह है कि ये सब्जेक्ट है बिल्कुल, ये मेंबर है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये मेंबर है, ये सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो फिर दोनों के अंतर क्या है? दोनों में ये है कि पहले वाला जो वाक्य है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, और सेकंड जो एक्टिव का वाक्य है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। मैंने बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है तो नंबर दो का रूल है वो ये कहना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब हर हाल में यूज करनी है। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है, इस वाक्य में जो फैशन में हमने इसको चेंज किया तो बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब आई है। तो शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वाक्य नहीं बनता है, और पैसिव के वाक्य में केवल और केवल वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। इसमें जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है, इसमें जैसे कि सेकंड फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर जो यूज हुआ है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, इसलिए पैसिव की जो शॉर्ट डेफिनेशन है वो यह है कि पैसिव के वाक्य में हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है और केवल वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, केवल और केवल वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब इस वाक्य में हमें स्पष्ट
क्लियर क्लीन दिखाई दे रहा है इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है इसका मतलब जो बात है पास्ट का है और पास्ट की इंपॉर्टेंट है जिन वर्ब होती है वो आज और वर्ब होती है इसलिए जब हम इसका पैसिव वाक्य बनाएंगे तो रूल नंबर एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ये रहेगा रूल नंबर दो हेल्पिंग पर ब्लॉक हेल्पिंग पर वाच का यूज करें या वर्ब का यूज करें शब्दों के अनुसार ये शुरू है इसलिए वाच वाच रूल नंबर तीन केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड रूल नंबर चार सब्जेक्ट किसके साथ बाय के साथ बाय अब हमने एक्टिव पैसिव के जो वाक्य बदले हैं तो पहली खास बात मैंने बता दी कि एक्टिव के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है तो वाक्य प्रेजेंट टेंस का है और प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे क्यों करेंगे क्यों करें इसलिए करेंगे कि बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव का वाक्य बनता ही नहीं एक्टिव का बनता है एक्टिव का जैसे ये दे रखा है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है फिर भी वाक्य बना है इट मीन्स ये एक्टिव का वाक्य है इसको पैसिव में लाएंगे तो अपने को हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा जैसे फॉर रूल्स वी हैव अप्लाइड चार नियम हमने लागू किए हैं उसमें यही तो बात है कि पैसिव के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी मींस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी ये साथ साथ रहेंगे वी भी साथ साथ रहेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये साथ साथ रहेंगे लेकिन ये बीच में हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते दूसरे नंबर का जो वाक्य है दूसरे नंबर के बाद में हम बिल्कुल देख रहे हैं कि इसके अंदर वर्ब में सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ तो वाक्य पास्ट का है पास्ट का वाक्य है हेल्पिंग वर्ब का यूज हम आज और वर्ब का कहेंगे क्यों क्योंकि इज एम आर की पास्ट फॉर्म होती है बाद वर्ब टीस या किचेंस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसकी पास्ट फॉर्म होती है और इसलिए हम इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म कहेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इस एम आर का यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वर्ब का यूज करेंगे वर्ब का यूज करेंगे आया सुन फिर हम आगे चलते हैं ये एक्टिव का वाक्य रखा है इस एक्टिव के वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और पहले हमने दो एक्टिव के दो वाक्य हमने पढ़े हैं लिखे हैं देखे उन दोनों में ही एक्टिव के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढने की हमें शर्त भी दे रखी है पहले वाक्य में शर्त ये दे रखी थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है तो हमने हेल्पिंग वर्ब को आसानी से ढूंढ लिया
कैसे ढूंढ लिया? बर्फ की टेस्ट फॉर्म अगर दे रखी है तो वाक्य प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है तो हमें बर्फ की टेस्ट फॉर्म की शर्तें पूरी करने के लिए इज एंड आर का यूज किया था। दूसरा जो वाक्य हमने दे रखा था, दूसरे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी थी, हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी थी तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढने की शर्त दे रखी थी। क्या शर्त दे रखी थी? दूसरे वाक्य वर्ब भी सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया था, सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, इसका मतलब वाक्य पास्ट का था और पास्ट का वाक्य था तो हमने पास्ट को हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज किया है। अब तीसरे वाक्य में शर्त हमारे सामने अगले क्लियर रख दी कि मैं तो हेल्पिंग वर्ब दे रहा हूं तो हम भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब दी है तो मुझे भी हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है। इसका यूज हुआ तो इसका यूज करूंगा या शर्त के अनुसार एम का यूज करूंगा या शर्त के अनुसार आर का यूज करूंगा, क्या दिक्कत है? हेल्पिंग वर्ब दे दी अगले ने तो हम भी इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन इस की जगह कई बार एम का यूज करना पड़ सकता है, एम की जगह कई बार आर का यूज करना पड़ सकता है। वो शर्त किस पर डिपेंड करती है? सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। यहाँ पर केस सिंगुलर है इसलिए इस का यूज हुआ है। इसकी जगह हो सकता है आई हो, इसकी जगह हो सकता है सिंगुलर हो, या इसकी जगह हो सकता है प्लूरल हो। तो ये ऑब्जेक्ट को चल के सब्जेक्ट की जगह आएगा, आएगा तो प्लूरल भी हो सकता है, हो सकता है तो हमें आर का यूज भी करना पड़ सकता है, इसका यूज करना पड़ सकता है, आर का यूज भी हमें करना पड़ सकता है। अब इस वाक्य को कैसे मैं चेंज करूंगा, कैसे चेंज करूंगा? नंबर एक, आपके दिमाग में रूल स्पीड है, एक नंबर लगा दो एक आर, दो नंबर लगा दो एज, तीन नंबर लगा दो तीन नंबर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से वर्ग की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पर आई एन जी फॉर्म आई है तो आई एन जी को इंटरचेंज कर देंगे बीन, इंटरचेंज कर देंगे बीन, एक आर इज बीन। थर्ड फॉर्म तीसरा नियम ड्राइवर और चौथा नियम बाई मोगेस, बाई मोगेस। आगे बात समझ में, अब इनको बीन के चेंज करेंगे तो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। इन हिंदी में बोलो इन, इसको भी हिंदी में बोलो बीन, तो इन बीन इन बीन का हमारा जो विचार है वो लगभग एक समान है, इसलिए इन को चेंज कर देंगे बीन में, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इन बीन इन बीन इन बीन और बीन ये किसी को भी करेगी, ये हेल्पिंग वर्ब की को भी करेगी, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगी और बीन बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म